होता जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम आदमी से आज खास बने हैं, और एक आम आदमी यहाँ पे मिलियनेयर बिलियनेयर भी बने हैं, और जो तरीका उन लोगों ने अपना के यहाँ पे पहुंचे हैं उसी तरीके की तरीकों को समझने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पे एक से बढ़कर एक दिग्गज लीडर आते हैं और इसी LDP प्रोग्राम में अलग अलग टॉपिक के ऊपर वो लोग बातें करते हैं। और आज मेरा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि कुछ नया है और मैं ऐसा कुछ नया बताने वाला हूँ, नया समझाने वाला हूँ या कुछ नया सिखाने वाला हूँ। बस मैंने आज आप लोगों के सामने, जो नए होंगे नो डाउट उनके लिए नया हो सकता है, लेकिन जितने सारे पुराने लोग हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिन्यूअल होगा, क्योंकि ये सारी बातें आपकी अपलाइन लोगों ने आपको सिखा चुके हैं। तो मेरा जो छोटा सा प्रयास रहेगा, बस उसी प्रयास में मैं आपको थोड़ा सा रिन्यूअल करवाऊंगा, जो सारी नॉलेज, जो सारी ज्ञान, जो सारी चीजें आपकी अपलाइन लोगों ने आपको दिए हैं, बस इसको थोड़ा सा और एक बार रिमाइंड करने की, रिन्यू करने की। और जितने सारे लोग नए जुड़े हैं अभी तक हमारी साथ, तो बस उन लोगों के लिए जरूर नया होगा। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये है दोस्तों, आज की डेट में इस इंडस्ट्री में अगर हमको आगे जाना है, अगर बहुत बड़ी इतिहास रचना है और बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो हमको जो सबसे जो बेसिक चीजें करनी है, जो बेसिक फंडामेंटल होता है जिसके ऊपर खड़े होके आज लोग लाखों करोड़ों में कमाते हैं ऑल ओवर इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड में, राइट, बस उसी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ऐसा नहीं कुछ नया चीज मैं शेयर करूंगा, लेकिन जरूर कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो मुझे विश्वास है कि आपके आपकी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत फायदा होगा। अगर ये सारी बातें जो आज हम करेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। सबसे पहले दोस्तों कि ये एक ऐसी बिजनेस है जिस बिजनेस में आप आए हो, राइट, आप इस बिजनेस में आए हो। अगर मैं सवाल करूं आप लोगों को कि आप लोग इस बिजनेस में क्यों आए, तो मुझे क्या जवाब मिलेगा आप लोगों से, कोई मुझे बताएगा, राइट। अभी चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में हम चैटिंग कर सकते हैं, आई होप कि हम सारे लोग चैटिंग कर सकते हैं, राइट। अगर आपको मैं ये सवाल पूछूं कि आप लोग इस बिजनेस में क्यों आए, राइट, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे लिए, राइट, कोई चैटिंग कर सकता है, कोई जवाब दे सकता है? अच्छा, ड्रीम पूरे करने के लिए, वेरी गुड, ड्रीम इसके लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ, और कुछ ड्रीम, पैसिव इनकम, बहुत अच्छे, पैसिव इनकम, और कुछ पैसिव इनकम, एडिशनल इनकम, वेरी गुड, एडिशनल इनकम, इनकम के लिए आए हैं, टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, नेम एंड फेम के लिए बहुत लोग आए हैं, राइट, वेरी गुड, फ्यूचर के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए बहुत लोग आए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं, अपने पहचान के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है, राइट, और कुछ, राइट, हेल्थ एंड वेल्थ, राइट, ये एक बहुत जबरदस्त जरिया है हेल्थ एंड वेल्थ बिल्ड करने की, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, वेरी गुड, फेमस पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, बहुत अच्छी बात है, फिर हेल्थ वेलनेस हैप्पीनेस इसके लिए आए हो, बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर ये सवाल मैं आप सारे लोगों करता हूं, जितने सारे लोग अभी चैटिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, जो लोग चैटिंग नहीं कर पाए, टू फुलफिल द ड्रीम्स, फैमिली एस्टेब्लिशमेंट, बहुत अच्छी बात है, राइट, और वेरी गुड, और टाइम फ्रीडम के लिए आए हैं, वेरी गुड, टाइम फ्रीडम, अच्छी बात है, राइट। तो अच्छा लगा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आपने आपकी सही जो कारण, जिसके कारण आपने इस बिजनेस को आए हो, बैलेंस लाइफ, बहुत अच्छी बात है, सो थैंक यू वेरी मच, फाइनेंशियल फ्रीडम, थैंक यू वेरी मच। अभी हम चैटिंग बंद करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो जितने सारे लोगों ने अपना अपना रीजन बताया है रिचेस्ट ग्रैंडफादर बनने के लिए, माय गॉड, राइट, बहुत अच्छी बात है। तो जितने सारे लोग जवाब दिए हैं, राइट, आप सारे लोगों के जवाब बहुत अच्छे हैं, राइट, और जिसके कारण आज आप लोग मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हो। लेकिन सबसे पहला पॉइंट मुझे कुछ लोगों ने बताया नहीं, कि सारे लोगों ने बताया नहीं, सबसे पहला कारण आप लोगों ने इस बिजनेस में इसीलिए आए क्योंकि किसी ने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, किसी ने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, और प्रेजेंटेशन के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिखाई दिया, इसमें आपको पैसिव इनकम दिखाई दिया, इसमें आपकी फ्यूचर दिखाई दिया, इसमें आपकी मतलब ड्रीम फुलफिल हो सकता है वो भी दिखाई दिया, राइट, ये सारी चीजें आपको दिखाई तब दिया जब कोई आके आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा। और आज मेरा जो टॉपिक रहेगा ये टॉपिक है कि इसी इंडस्ट्री में वही बंदा ज्यादा
फायदे में रहता है, वही बंदा यहाँ पे विनर बनता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन करता है, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मिलता है, लोगों के पास बैठता है। देखिए दोस्तों एक बात बता रहा हूं, अगर आप मुझे पूछोगे कि हमारी इंडस्ट्री के, हमारी कंपनी के सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है, अगर आप ये सवाल मुझे पूछोगे तो मेरा जवाब आपके लिए होगा कि हमारी बिजनेस का सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन प्लान प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसी प्लान को देखे लाखों लोगों ने अपनी लाइफ बदल चुके हैं, इसी प्लान को देख के बहुत लाखों लोगों ने मोटिवेट हुए हैं, इसी प्लान में लोगों की भविष्य नजर आया, इसी प्लान के अंदर लोगों की खुशियां नजर आई, इसी प्लान के अंदर लोगों की हर कोई वो सपने पूरे होते हुए नजर आए, जिसके कारण इस इंडस्ट्री आज ऑल ओवर वर्ल्ड में डायरेक्टली इंडस्ट्री बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया में बहुत जबरदस्त चल रहा है और मोदी केयर बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी टुडे इन इंडियन मार्केट। और ये कंपनी मोदी केयर आज इतनी फास्टेस्ट में ग्रो कर रहा है, इसके पीछे कारण है क्योंकि हमारी कंपनी में भी ज्यादा से ज्यादा प्लान प्रेजेंट करने वाले लोग हैं। तो अगर आज आप लोग इस बिजनेस में जुड़े हो तो सबसे पहला काम है, क्योंकि आपको किसी ना किसी ने मोदी केयर की प्लान प्रेजेंटेशन किया है, पहले प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नजर आए और आपको आपके रीजन मिल गया व्हाई टू जॉइन दिस बिजनेस एंड व्हाई टू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड दैट इज द रीजन आपने इस बिजनेस को शुरू किया। तो आज मेरा जो टॉपिक है, बस मेरा टॉपिक इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आज जितने बड़े बड़े दिग्गज लीडर आपके सामने हैं, राइट, आप बहुत सारे लोगों के नाम ले सकते हो। हम किसका नाम सबसे पहले लें, अगर सबसे बड़े नेशनल लेवल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गज लीडर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम। आज सुरेखा भार्गव मैम आज इतने पैसा क्यों कमाते हैं, कभी आपने जाके सीक्रेट पूछोगे, मैडम आपका सीक्रेट बताओ, क्या ऐसी सीक्रेट है जिसके कारण आज आप इतने पैसे कमाते हो। अगर मैं मेरे ग्रेट मेंटर गाइड मिस्टर प्रमोद आचार्य सर की बात करूं तो प्रमोद आचार्य सर के पास जाके अगर हम पूछेंगे कि सर आपका सीक्रेट बताओ, राइट, जितने सारे बड़े बड़े लीडर है, दिमंत कपड़िया सर के पास जाके, हम सारे लोगों की मेंटर दिमंत कपड़िया सर के पास जाके अगर पूछेंगे कि सर आपका सीक्रेट क्या है, आप इतने बड़े सफलता कैसे हासिल किए, तो इन सारे लोगों की एक ही जवाब होगा, वो होगा कि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन किए, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन किए, और इतनी बड़ी सफलता इस प्रेजेंटेशन के कारण शुरू हुई है। और ये जो बिजनेस है शुरू होता है प्रेजेंटेशन से, और ये जो बिजनेस है बढ़ता है प्रेजेंटेशन से, आपके चेक्स बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन से, हर कोई चीजें की जो ग्रोथ इस बिजनेस में होता है, ये हर कोई ग्रोथ जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर, राइट। और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कुछ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए स्लाइड शेयर करने के लिए, राइट, मैं आप लोगों के सामने स्लाइड रखूंगा, आई होप कि माई स्लाइड इज विजिबल, राइट, यस सर, ओके, वेरी गुड। और आज का जो टॉपिक है आप लोगों को पता है, ही हु शोज मोर प्लान्स विंस, राइट, इस इंडस्ट्री में जो ज्यादा प्लान दिखाते हैं वो लोग यहाँ पे ज्यादा तरक्की करते हैं और विनर बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों मैं एक बार एक इंटरव्यू देख रहा था, एक मूवी में विद्या बालन एक्ट्रेस थे और इनका इंटरव्यू देख रहा था, इनको कोई रिपोर्टर ने पूछा कि मैडम आपकी मूवी में क्या है, ऐसे क्या है जो लोग देखने के लिए आएंगे, और विद्या बालन तीन पॉइंट्स बताए थे, और तीन पॉइंट्स बताए थे कि हमारी मूवी में तीन पॉइंट है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, राइट। और इसको मतलब वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि उनकी मूवी में अगर लोग देखने के लिए आएंगे तो तीन चीजें मिलेगा, एंटरटेनमेंट, 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 राइट। उसी तरह दोस्तों हमारी इंडस्ट्री के, हमारी कंपनी के अगर सफलता की राज अगर जानना चाहोगे तो सफलता का राज होता है प्रेजेंटेशन, 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 प्रेजेंटेशन। आप जितना प्रेजेंटेशन करोगे उतना बड़ा सफलता अचीव कर पाओगे। आप कितने भी बड़ा सपना देखो वो सपने पूरे हो सकते हैं, राइट। अगर आज की डेट में दोस्तों मैं बात करूं, एक दिन मुझे याद है, बहुत दिन की बात है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम भुवनेश्वर आए थे, अरुण भार्गव सर यहाँ पे आए थे, तब अरुण भार्गव सर एंड
सुरेखा मैम एक ही स्टेज में एक वर्कशॉप कर रहे थे यहाँ पे होटल क्राउन में, और हम सारे लोग उसी वर्कशॉप में थे, राइट। तो अरुण भार्गव सर स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोले कि मोदी केयर में सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला जो कपल होगा उसी कपल का नाम लिए, राइट। उन्होंने बताया कि आपको पता है सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला मोदी केयर में, और पूरे डायरेक्टर इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा कमाने वाला एक कपल होगा, और वो कपल होंगे डॉक्टर सुरेखा भार्गव एंड अरुण भार्गव। तो इसी बातों को उन्होंने तीन बार रिपीट किया कि मोदी केयर का सबसे बड़ा हाईएस्ट अर्नर कौन बनेगा, ना डॉक्टर सुरेखा भार्गव एंड अरुण भार्गव। तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अरुण भार्गव सर ने की बात पे बताया कि हम लोग इसीलिए सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे क्योंकि हम ज्यादा प्लान यहां पे दिखाएंगे और ज्यादा स्पॉन्सर करेंगे। अगर आप ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन करोगे और आप ज्यादा स्पॉन्सर करोगे तो आप भी हमसे ज्यादा पैसा कमाओगे। तो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी सीक्रेट तो वही है कि वही लीडर बड़ा पैसा कमाता है जो ज्यादा प्रेजेंटेशन करता है, ज्यादा स्पॉन्सर करता है। जब कोविड खत्म हुआ, हम सारे लोगों ने आजादी मार्च प्रोग्राम अटेंड करने के लिए दिल्ली गए थे, तो वहां पे सुरेखा मैम क्या किए कि स्टेज पे ऊपर खड़े होके बोले कि कितने लोग जो मेरे साथ पिछले एक साल से जुड़े हैं। तो लगभग मैंने गिनती करना शुरू किया तो मुझे लगा कि लगभग 15 से 20 लोग होंगे। फिर सुरेखा मैडम बताए कि कितने लोग डायरेक्टर बने, तो 14 लोग खड़े हुए जो डायरेक्टर बने हुए थे, राइट। और मैडम ने बताया अगर मैंने पहले जीबीड नहीं बनता तो इसी लॉकडाउन पीरियड में मैं जीबीड बन जाता। तो मतलब जो दुनिया बंद था तब भी डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम ने स्पॉन्सर करते थे, तब भी प्रेजेंटेशन देते थे, राइट। तो कहने की बात यह है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट अर्नर अगर आपको कोई मिलेगा तो इनके सीक्रेट अगर आप जाके पूछोगे तो सीक्रेट जरूर ये होगा कि इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, राइट। लेकिन प्रेजेंटेशन कर कौन रहा है, राइट। आपको पता है प्रेजेंटेशन करना है, मुझे भी पता है प्रेजेंटेशन करना है, सबको पता है प्रेजेंटेशन करना, लेकिन भाग के प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, जिसके पास भूख होता है। क्या होता है? भूख होता है, राइट। तो बस एक छोटी सी कहानी है दोस्तों जो आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। एक बार अकबर जी ने क्या किया, अकबर जी ने बहुत बड़ी मतलब पार्टी रखे थे, और जब अकबर एम्परर अकबर जब पार्टी रखे थे तो किसको इनवाइट करेंगे, तो दुनिया भर के जितने सारे राजा हैं, जितने सारे मतलब बड़े बड़े हस्ती है, उन लोगों को इनवाइट किए थे। और अकबर ने क्या किया, दुनिया भर की अच्छी खाना भी बनाया, जितने सारे अच्छी कुक हुआ करते थे सारे लोगों को बुलाया, और दुनिया भर में जितने अच्छे अच्छे खाना होता था वो सारे खाना भी उन्होंने बनाया। तो जब सारे लोग आए, खाना खाए, सबको मजा आ गया, और जब जाने की समय आया तो अकबर जी ने खड़े होके एक एक को पूछना शुरू किए, राइट। जब वो जा रहे थे तो अकबर जी पूछ रहे थे कि आपको खाना कैसा लगा, तो राजा बोल रहे थे कि मजा आ गया, बहुत अच्छा खाना था। लेकिन बीरबल पीछे खड़े थे, बीरबल पीछे खड़े थे। जब कोई राजा बोल के जाता था खाना बहुत अच्छा था, खाना खा के मजा आ गया, तो बीरबल पीछे खड़े होकर बोल रहे थे महाराज एक चीज होता तो खाना और भी मजेदार होता। तो फिर अकबर को थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू हुआ, और अकबर को इसीलिए गुस्सा आया क्योंकि दुनिया भर के खाना बनाया, दुनिया भर का बेहतरीन कुक को मैंने बुलाया, राइट। इतने जबरदस्त पार्टी हुआ, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो मैंने छोड़ा हूं, राइट। और बीरबल बोल रहा है कि और एक चीज होता तो खाना और भी मजेदार होता। तो लेकिन सारे लोग ही सामने बोल नहीं पाए और मन ही मन गुस्सा करने लगे। तो एक एक करके राजाओं ने जब मतलब निकल रहे थे, जा रहे थे अपने घर, तब अकबर जी ने एक एक राजा को पूछ रहे थे खाना कैसा लगा, खाना कैसा रहा, खाना कैसा रहा। तो हर कोई राजा जब जा रहे थे वो अच्छा बोल रहे थे, मजा आ गया, मजा आ गया, इतना अच्छा खाना हमने कभी नहीं खाए थे, राइट, पार्टी मस्त रहा। तो बीरबल हर समय पे बोल रहे थे एक चीज महाराज होता तो खाना और भी मजेदार होता। जब सारे लोग चले गए, अकबर इतने गुस्से में थे और बीरबल को पूछे, बोल बीरबल ऐसा क्या कमी रह गया कि तू बोल रहा था और एक चीज होता तो खाना और भी मजेदार होता। और बीरबल ने बताया महाराज सारे खाने बहुत जबरदस्त था, दुनिया भर की खाना था, मैंने तो कभी अपनी लाइफ में सोच नहीं पाऊंगा कि ऐसा भी खाना बनता है और खाना इतने भी जबरदस्त टेस्ट हो सकता है।
लेकिन एक चीज की कमी था महाराज, और अकबर ने बोले कि बोल क्या कमी था। उन्होंने बीरबल ने बताया कि एक ही चीज कमी था, वो कमी था बस भूख। महाराज सारे खाना अच्छा था, अगर भूख होता तो खाना और भी मजेदार होता। कहने की बात यह दोस्तों, दुनिया भर में खाना कितना भी बेहतर हो, अगर आपके पास भूख नहीं है, कोई भी खाना का मजा आप उठा नहीं सकते। और दुनिया भर की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अगर आपको दिलवाया जाए तो कोई गारंटी नहीं कि आप लाखों कमाओगे, जब तक आपके पास बड़े चीजें हासिल करने की भूख ना हो। और जिस भूख को हम अपनी भाषा में यहां पे बोलते हैं PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। ये जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, हर कोई बंदा, हर कोई लोग आज जो काम करते हैं ना, इनके पीछे एक मोटिवेटिंग फैक्टर काम करता है, राइट। और मैं तो उसको बोलता हूं कि उसी चीज में काम करने के लिए जो पॉइंट उनको मोटिवेट करता है, ये इनकी उसको हासिल करने की भूख होती है, राइट। देखो आज की डेट में मैं एक बात बता रहा हूं, घर में आप लोगों की मम्मी, आपकी बीबी, राइट, 20 सालों से 30 सालों से खाना बनाते आ रहे हैं, लेकिन कभी इन लोगों को नहीं लगता है कि भाई हम तो टायर्ड अप हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, हम तो और भी इतने सालों से खाना बना रहे हैं, राइट। कभी इनके मन में आ रहा है, कभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनके जो मोटिवेशन होती है ना, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, राइट, जिसके कारण ये 20 सालों से 30 सालों से खाना बनाते आ रहे हैं, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं किए हैं, अंडरस्टैंड। तो अगर आज देखोगे एक लेडी, एक किचन का कमरे का साइज कितना होगा, इतने छोटी सी कमरे में सुबह नाश्ता बनाएगी, दोपहर को खाना, शाम को कुछ थोड़ा सा नाश्ता, फिर रात को डिनर, राइट। उसी छोटी सी रूम में दिन में 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा रोज देती है, राइट। घर के काम भी साथ ही साथ करते हैं, लेकिन आज भी इनकी मोटिवेशन खत्म नहीं हुई है, आज भी उसी मोटिवेशन से वो खाना बनाती है। तो वो क्या है वो मोटिवेशन जिसके कारण ये 20-30 सालों से बना के आ रहे हैं, फिर भी इनको आज टायर्ड नहीं लगता है, आज भी वो कंप्लेन नहीं करते, नहीं बहुत हो गया भाई, बहुत सालों से हो गया, और नहीं करेंगे। आज कोई बंदा बैठ के आर्ट कर रहा है ना, इसमें उसकी खुशी है, जिसके कारण वो वहीं पे बैठ के आर्ट बना रहा है। और इनकी जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, जब वो आर्ट करता है, ये उनको मोटिवेट करता है और दूसरा आर्ट बनाने की और बेहतर करने की, बस उसी में वो लगा हुआ होता है। हर कोई काम के पीछे अगर आप देखोगे, अगर आज हमको कोई ड्राइव करता है तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स होता है, जो मोटिवेटिंग फैक्टर आज हमको दौड़ाता है, आज हमको भगाता है। अगर आज आपके पास मोटिवेटिंग फैक्टर है, राइट, और वो मोटिवेटिंग फैक्टर आपको मोदी केयर से मिल गया, कि ऐसा क्या पॉइंट है जो पॉइंट के लिए मैं मोदी केयर में भागूंगा, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है इस इंडस्ट्री में, राइट, लाखों कमाने की और आपको कामयाब बनने की, ऐसा कोई ताकत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं दो एग्जाम्पल आपको दूंगा। देखो एक एग्जाम्पल आपको पता है, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी एक ऐसा इंसान है, जब इनकी आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसी आर्टिकल में मतलब जो हेडलाइन था, वो हेडलाइन था द मैन हु मूव्ड द माउंटेन। दशरथ मांझी के बारे में थोड़ा सा चीज बताऊंगा। ये जब इनकी बीबी जब प्रेग्नेंट थी, वो मेडिकल को मतलब लेके जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत बड़ी पहाड़ था, राइट, तो उसको पार होके जा नहीं पाए, तो बस वहीं पे बहुत सारी उनको दिक्कत आई, और उसके बाद फाइनली उनकी बीबी गुजर गए। तो उन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि मुझे इसी पहाड़ को काट के रास्ता बनाना है। और इतने गरीब थे, बहुत गरीब थे, खाने के लिए भी उनके पास मतलब पैसे नहीं हुआ करता था, तो मेहनत भी करते थे, अपना खाने पीने की मतलब इंतजाम भी करते थे, उसके साथ साथ उन्होंने लगातार उसी पहाड़ को, राइट, मतलब चिरते गए, राइट। आपने इसी मूवी देखा होगा, तो इनके एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट, जब तक इसी पहाड़ को हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने ठान लिया था कि भाई मुझे यहीं पे रास्ता बनाना है, और आज बस एक छोटी सी मोटिवेशन कि जैसे आज मेरे साथ हुआ है और दूसरों के साथ ऐसा ना हो, बस वही चीज उनको मोटिवेट किया। और दुनिया में इनको कोई
मतलब आज की डेट में जितने लोग जानते हैं, जैसे मैंने आज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज लाखों लोग इनके एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने काम शुरू किया था उसी पहाड़ को तोड़ने की, तब कोई इनको मतलब क्या साथ देने के लिए कोई नहीं आया था, कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आया था, कोई पैसा देने के लिए नहीं आया था, राइट? लेकिन इनके अंदर से मोटिवेशन आता था कि भाई मुझे उसको तोड़ना है, और जो मेरे साथ हुआ है ये दूसरों के साथ ना हो, बस इसके लिए उन्होंने रास्ता बनाया। और ये जो रास्ता है इसको कहते हैं दशरथ मांझी रोड, इनके नाम पे, राइट, उनको उसी रास्ता का नाम रखा गया, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल अरुणिमा सिन्हा, राइट, अगर इनकी कहानी आप लोगों को पता है, ये ट्रेन में सफर करती थी, जब मतलब एक चेन के कारण, मतलब गोल्ड चेन के कारण इनको धक्का दे के, कुछ लोगों ने चेन से ट्रेन से नीचे उनको धक्का दे के नीचे गिरा दिए, और इसके पैरों के ऊपर ट्रेन चला गया, फिर एक पैर उनको काटना पड़ा, रात भर वो ट्रेन लाइन के ऊपर स्ट्रगल करती रही, और भगवान की इच्छा था, बस इसीलिए इन्होंने उनका जीवन दान उनको मिल गया दूसरी बार। बस उन्होंने जब उनका सेंस आया तब तो उन्होंने खुद देखा, खुद मेडिकल के बेड के ऊपर सोया हुआ है, तो वहीं पे मेडिकल के बेड में जो सोया थे, तब वो याद कर रही थी कि भाई रात भर मेरे साथ हुआ क्या, और ट्रेन के अंदर मेरे साथ क्या हुआ। और उसी मेडिकल बेड में, मतलब जब लेटे हुए उनकी ट्रीटमेंट चल रहा था, तब उन्होंने डिसाइड किया कि भगवान अगर मुझे दूसरी बार जीवन दान दिया है तो मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि फिर दुनिया भर के लोगों ने उसको याद रखेंगे। और उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है। आप पिक्चर में देखो कि इनका एक पैर नहीं है, ये एक ही, ये पहला इंडियन लेडी है, राइट, जिनका मतलब पैर कटा हुआ है, फिर भी इन्होंने ठान लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है। एंड ए वुमेन हु कंक्वर्ड द माउंट एवरेस्ट, इनका जो आर्टिकल है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, बड़ा बड़ा मैगजीन में इनके आर्टिकल आया था, राइट, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए थे, राइट। क्या मोटिवेशन था, जिस मोटिवेशन के कारण इतनी बड़ी कठिनाई काम को उन्होंने कर दिखाया, दशरथ मांझी के पीछे क्या मोटिवेशन था जिसके कारण इतनी बड़ी कठिनाई चीज को उन्होंने कर दिखाया। अगर आप देखोगे तो इन सारे लोगों के पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, जो मोटिवेटिंग फैक्टर के कारण ये लोग कुछ ना कुछ इतिहास बना है। बस आपके पीछे क्या मोटिवेशन है, सबसे पहले आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, व्हाट इज योर मोटिवेटिंग फैक्टर, राइट। ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट करता है? जैसे बहुत सारे लोगों ने लिखे, मुझे पैसिव इनकम मोटिवेट करता है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मोटिवेट करता है, मुझे एक्स्ट्रा इनकम मोटिवेट करता है, मुझे अर्ली रिटायरमेंट मोटिवेट करता है, बच्चों के लिए मुझे बेहतर एजुकेशन मोटिवेट करता है, राइट। हर किसी का मोटिवेटिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि मेरा जो मोटिवेटिंग पॉइंट है वो आपके साथ बराबर है, राइट। मुझे हो सकता है कि मुझे बहुत पैसे चाहिए, हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको ज्यादा समय चाहिए। से सबके पॉइंट जो होता है, मोटिवेटिंग फैक्टर जो होता है, वो अलग अलग होता है, राइट। बट यू हैव टू फिगर इट आउट कि भाई मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, ऐसे क्या पॉइंट, 5 पॉइंट है जो मुझे मोटिवेट करता है इस बिजनेस को करने के लिए। देखिए दोस्तों, जब तक आपको आपके मोटिवेटिंग पॉइंट आपको नहीं मिल जाता है, तब तक गारंटी नहीं कि आप इस बिजनेस में लंबे समय रहोगे। और इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने जो आज भी मेहनत करते हैं, लंबे समय से इस बिजनेस को पकड़ के रखे हैं, लंबे समय से लोगों को गाइड कर रहे हैं, अब उनको जाके पूछो भाई आपकी पीएमएफ क्या है, आपकी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, ऐसा क्या पॉइंट है जो आपको अंदर से मोटिवेट करता है इस बिजनेस को करने के लिए, राइट। लाखों चैलेंजेस आने के बावजूद आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो, राइट। जब आपके पास कोई मोटिवेटिंग फैक्टर्स होता है, जब आपको ऐसा कोई पॉइंट होता है जो आपको मोटिवेट करता है, तो फिर आप उसी पॉइंट्स के लिए काम करते हो। मैं आपको एक दो एग्जांपल जरूर आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, राइट। मैंने एक मोदी केयर सक्सेसफुल लीडर के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि आप मोदी केयर क्यों शुरू किए, राइट। हालांकि आज मोदी केयर में वो टॉप टाइटल में ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर लेवल पे हैं, तो उनका मोटिवेशन क्या था? देखिए दोस्तों, ये अलग अलग प्रोफेशन में काम करते थे, इनके हस्बैंड, राइट, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके आज काम कर रहे हैं, राइट। और उनके बच्चे जो स्कूल जाते थे, ये स्कूल का ट्यूशन फी ये समय पे भर नहीं पाते थे, राइट। तो कभी कभी 2 महीना लग जाता था, कभी कभी 3 महीने से दे नहीं पाते थे, 6 महीने से दे नहीं पाते थे।
तो एक बार उनके टीचर, स्कूल के टीचर ने इनको बुलाया और बताया, अगर आप स्कूल का ड्यूज नहीं दे पा रहे हो तो बच्चों को क्यों पाठ पढ़ा रहे हो, तो आप यहीं से बच्चों को ले जाओ, राइट, आप कहीं पे लेके उनका एडमिशन करवा दो। तो उसी दिन वो डायलॉग इनको इतने बुरा लगा, इतने बुरा लगा, वो डायलॉग इनके लिए मोटिवेशन बन गया, राइट। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मुझे अभी कारण मिल गया कि मुझे मोदी केयर क्यों करना है। और उन्होंने बस उसी दिन उसी स्कूल के ड्यूज देने के लिए, घर में कुछ सामान था मोदी केयर का, उसी प्रोडक्ट को लेके उन्होंने गए और कुछ लोगों से बात किया। उसी दिन 1,1200 रुपए का सामान उन्होंने प्रमोट किया और उसी दिन कॉन्फिडेंस आया। रात को, राइट, रात को उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि हमको मोदी केयर करना है, चलो मिलके मोदी केयर करते हैं। और उसी छोटी सी पॉइंट, राइट, स्कूल के टीचर ने डांट दिया, स्कूल ड्यूज टाइम पे दे नहीं पाते थे और स्कूल टीचर ने डांट दिया, उसी स्कूल टीचर के डांटने के कारण इनको एक मोटिवेटिंग पॉइंट्स मिला, जिसके कारण उन्होंने मोदी केयर को दिल से करना शुरू किए और आज ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर लेवल पे पहुंचे हैं, राइट। और ऐसे बहुत कहानियां दोस्तों आपको मिलेगा कि लोग इस इंडस्ट्री में क्यों आए और क्या क्या वो पॉइंट है जिसके कारण वो लोग मोटिवेटेड हुए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और आप सारे लोगों को, आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जितने लोग हमको अभी फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, मैं आप सारे लोगों को अगर एक सवाल करूंगा, वो सवाल है कि आपकी PMF क्या है, आपकी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है जिसके कारण आप इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में आप लंबे समय के लिए काम करोगे और उसी चीज को हासिल करने के लिए आप मोटिवेटेड रहोगे। तो घर में बैठ के ये 5 पॉइंट लिखो कि आपको क्या मोटिवेट करता है। मैं शुरुआत में जब काम कर रहा था दोस्तों, मुझे 3 पॉइंट बहुत मोटिवेट करता था। पहला पॉइंट था 1 लाख रुपया महीना कमाना, दूसरा पॉइंट था एक गाड़ी लेना, तीसरा पॉइंट था फॉरेन ट्रिप जाना। और दोस्तों क्या हुआ, मैं जब भी लोगों के पास जाता था, प्लान दिखाता था, लोग तरह तरह का नेगेटिव बातें करते थे, कोई कमेंट करता था, कोई क्रिटिसाइज करता था, कोई ना जाने, आज की डेट में आपको पता है लोग इतने मार्केट में लोग बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, राइट। ज्ञानी लोग मतलब इसी दुनिया में, हमारे देश भारत में आपको 2 ऐसे प्रोफेशन के लोग मिलेंगे जो बहुत ज्ञानी है, राइट। एक तो आपको मिलेंगे डॉक्टर्स इसी दुनिया में, हमारी भारत में मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स कम मिलेंगे, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स बहुत मिलेगा, राइट। अगर आप बोलोगे मेरे पेट में दर्द है, तो आपको ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे जो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, वो आ जाएंगे आपको सजेशन देने के लिए। अच्छा ये कहा, अच्छा पेट में दर्द है, ये खा लो, वो खा लो, वो खा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारी इतने ज्ञानी लोग रहते हैं भारत में, इनके पास ना नॉलेज है ना तजुर्बा है, फिर भी आपको ज्यादा जरूरत से ज्यादा सलाह देने के लिए तैयार हो जाएंगे, राइट। इन्होंने कभी कुछ जानते नहीं है, कुछ पहचानते नहीं, लेकिन बोलेंगे बहुत सारी चीजें। तो इसमें PhD करके रखे हैं लोगों ने। तो शुरुआत में मैं भी जब लोगों के पास जाता था, लोग हमको भी बहुत सारी चीजें बताते थे, फिर मैं ना जाने कितने सजेशन देते थे, ये चलेगा नहीं, ये कंपनी अच्छा नहीं है, ये तो चेन बनाने का कंपनी है, यहाँ पे तो लोगों को जुड़ने का कंपनी है, लो यहाँ से तो हमसे लेके हमको पैसा दिया जाता है, या ये तो कंपनी ज्यादा दिन चलेगा नहीं, लोग ना जाने क्या क्या बातें करते थे। लेकिन लोगों की बातें मेरे दिमाग में नहीं जाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में 3 चीज बैठा हुआ था। एक था कि 1 लाख रुपया कमाना, एक गाड़ी लेना, फिर मुझे फॉरेन ट्रिप जाना। ये 3 चीजें मुझे इतने मोटिवेट करता था, लोगों की कोई भी बातें मुझे डिमोटिवेट नहीं करता था। अगर आज आपको कोई रिजेक्ट करता है, कोई मना करता है, अगर आज आपको आप प्रेजेंटेशन देने के लिए गए हो, अगर आपको कोई नेगेटिव बातें 2-3 बता दिया, अगर वहां से वापस आने के बाद आप दूसरे लोगों के पास प्रेजेंटेशन जाने के लिए, आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके अंदर से मोटिवेशन काम नहीं कर रहा है, तो चेक करो कि आपके PMF कहीं ना कहीं कमजोर है। तो अपने PMF को बनाना, आपके PMF को तैयार करना, इसीलिए सबसे पहला पॉइंट जो हमको सिखाया जाता है, डिफाइन योर ड्रीम्स एंड गोल्स, आपके सपने क्या है, आपकी गोल्स क्या है जिसके लिए आप मोटिवेटेड रहोगे, जिसके लिए आप काम करोगे, कोई भी चैलेंज आए उसी चैलेंज को आप मतलब फेस कर पाओगे, फिर आप आगे बढ़ पाओगे और बहुत बड़े से बड़े सफलता आप अचीव कर पाओगे, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। सो आपको ढूंढना है कि क्या है वो पॉइंट जो मुझे मोटिवेट करता है, क्या है वो पॉइंट जिसके कारण मैं यहाँ पे काम करूंगा, राइट। दैट इज योर प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, और आपको डिसाइड करना है। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो फिर आपको इमिडिएटली बैक टू बेसिक जाना है। देखिए बैक टू बेसिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी प्रकृति ऐसे होती है कि हम कुछ काम को थोड़ी दिन के लिए करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं,
इसीलिए कहा जाता है बैक टू बेसिक, फिर बेसिक पे चले जाओ, फिर बेसिक पे चले जाओ। मैं एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, भुवनेश्वर में कम से कम 3-4 जिम में मैंने परमानेंट मेंबर, 3-4 ऐसे जिम है राइट। तब मैंने शुरू में जब भी जाता था तब उनके पास दो ऑप्शन होता था कि मंथली बेसिस में करोगे या परमानेंट मेंबरशिप लोगे। मैं बोलता था परमानेंट मेंबरशिप करवा लो, परमानेंट मेंबरशिप के लिए मतलब किसी को 200 रुपया देना पड़ता था, किसी को 500 रुपया देना पड़ता था, लेकिन परमानेंट मेंबर है। क्यों? क्योंकि अच्छी बॉडी बनानी है, क्लियर। तो हम 2 महीना जाते थे, 3 महीना जाते थे, 4 महीना जाते थे, फिर छोड़ देते थे, और फिर 4-5 महीने के बाद फिर याद आता था चलो और एक बार जिम जाते हैं हम। फिर जब जाते थे फिर जिम वालों ने पूछते थे 4 महीने कहाँ चले गए थे, कहाँ खो गए थे। फिर हम ना जाने क्या क्या बहाना देते थे, भाई टूर में चले जाते थे राइट, काम का प्रेशर है, इधर उधर जाते थे तो काम नहीं, टाइम नहीं मिल रहा था आने के लिए, फिर अब से शुरू होगा। फिर हम 4 महीने के बाद जब जाते थे, हम शुरू में जो काम करते थे ना वही काम को फिर हमारा ट्रेनर सिखाते थे। देखो भाई फिर बेसिक्स करना पड़ेगा। क्या बेसिक्स करना पड़ेगा? सुबह आओ, फिर वार्म अप करो, फिर ये करो वो करो, जो बेसिक चीजें होती थी 4 महीने गैप के बाद हम जाते थे फिर वही चीजें सिखाते थे। क्योंकि इंसान की क्या आदत होती है दोस्तों, हम हर कोई काम को लगातार कर नहीं पाते हैं राइट। 2-3-4 महीना करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर याद आएगा तो फिर 6 महीने के बाद करेंगे। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट यह है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ दिन बेसिक्स करते हैं उसके बाद मैनेजर बन जाते हैं। हम कुछ दिन बेसिक्स करने के बाद जब मैनेजर बन जाएंगे तब वहीं से प्रॉब्लम शुरू होगा। आज जितने लोग डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने लोग सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने लोग ईडी क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आज जितने लोग आज के डेट में एसईडी क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये सारे लोग जितने सारे जो भी लेवल पे होंगे, तो आज ये स्ट्रगल इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम बेसिक बेसिक को छोड़ के मैनेजर लेवल पे चले गए। देखो हर वक्त हमको बेसिक्स भी करनी है और अपनी टीम को मैनेज भी करनी है, तो बैक टू बेसिक जाना बहुत जरूरी है राइट। आपके पास मेमोरी जगर होगा और वो जो मेमोरी जगर में आपने 300 नाम, 400 नाम, 500 नाम लिखे हो, उसमें से हर महीना 20 नाम उठाओ। हर महीना कितने नाम उठाओ? 20 नाम। 200, 300, 400 का जो मेमोरी जगर आपका नाम होगा उसमें से 20 लोगों का नाम उठाओ और डिसाइड करो कमिटमेंट के साथ कि भाई इसी महीना मुझे इसी 20 लोगों के साथ बात करनी है, इसे 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है, इसे 20 लोगों को फॉलोअप करनी है, इसे 20 लोगों को इवेंट को प्रमोट करनी है, इन 20 लोगों को मुझे इवेंट के लिए बात करनी है राइट। इस 20 लोगों के साथ मुझे इस महीने एक्टिविटी करनी है, ये नए लोग हैं राइट। और आपके मेमोरी जगह में जो 300-400 नाम होगा उसमें से 20 नाम हर महीना उठाओ और उसी 20 लोगों के साथ बात करो। लेकिन एक चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है, लर्न हाउ टू अप्रोच एंड इनवाइट। मैंने आज भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलता हूँ, देखता हूँ लोगों के साथ, आज भी वो लैंग्वेज बिल्ड नहीं हुई है जिसके कारण वो नए लोगों के साथ जो बात करते हैं, किसको प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, क्या बोलना जरूरी है और कैसे बात करना जरूरी है राइट, जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार भी ट्रेनिंग हो चुकी है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर ऐसे इसी प्लेटफॉर्म में भी कर चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया में अलग बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो सिखाते हैं हमको कि हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू इन्वाइट पीपल। अगर आपके पास वो कलाकारी वो नॉलेज नहीं है तो आपके अपलाइन के पास बैठ के इसको सबसे पहले सीख जाओ। ये जो 20 लोगों का नाम आपने लिखा, इनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे इनवाइट करना है और फिर जाके क्या करनी है, प्लान प्रेजेंटेशन करना है, डेमो करना है और प्रेजेंटेशन करना है, डेमो करना है, प्रेजेंटेशन करना है, डेमो करना है। लेकिन आज सबसे बड़ी और दूसरी समस्या आपको बता रहा हूं, दूसरी समस्या यह है कि लोगों को लगता है हम जिसको भी प्लान दिखाएंगे वो जुड़ जाएगा, हम जिसको प्लान दिखाएंगे वो जुड़ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो प्रेजेंटेशन एंड स्पॉन्सरिंग, प्रेजेंटेशन एंड स्पॉन्सरिंग ये दो अलग चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करो। स्पॉन्सरिंग इज ए प्रोसेस, किसी को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करना इसके लिए हमको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन बिकम्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर स्पॉन्सरिंग राइट। स्पॉन्सरिंग के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस के लिए प्रेजेंटेशन एक पार्ट है। और प्रेजेंटेशन का मतलब नहीं कि कोई बंदा जुड़ जाएगा राइट। और इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं जब भी लोगों के पास जाता हूं लोगों से बात करता हूं राइट, लोगों को पहले बता देता हूं, देखो भाई मैं आपके पास आया हूं और आपको कुछ करना नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, बस ओपन माइंड के साथ मेरा प्रेजेंटेशन अटेंड करना है। आई डोंट प्रोमिस यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ प्रोमिस नहीं करता हूं। मेरा बिजनेस आपके लिए सुइटेबल होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, और मुझे भी पता नहीं आप भी मेरे बिजनेस के लिए सुइटेबल होंगे या नहीं होंगे।
क्योंकि सारे लोगों को हमारी बिजनेस पसंद नहीं आता है और हमारी बिजनेस के लिए सारे लोग सुटेबल भी नहीं होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा जब आप मेरे पास बैठ के प्रेजेंटेशन देंगे। तो मैं बस एक ही मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप आधा घंटा 45 मिनट ओपन माइंड के साथ बैठिएगा और मेरा प्रेजेंटेशन देखिएगा। अगर इसे प्रेजेंटेशन में, राइट, ये 45 मिनट प्रेजेंटेशन के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ अगर समझ में नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं लगा, तो आपकी लाइफ के 45 मिनट समय बर्बाद होगा। अगर आपको समझ में आया, आपकी बड़े बड़े समस्या के समाधान अगर मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मिल गया, तो यू कैन मेक अ डिसीजन टू स्टार्ट माई बिजनेस। आप मेरे बिजनेस को शुरू करने के लिए आप डिसीजन ले सकते हो। तो बस शुरू में मैं लोगों को बोल देता हूं कि भाई आपको बिजनेस में जुड़ना नहीं है। और आज भी मैं शुरू शुरू में लोगों को बहुत कन्विंस करता था, लेकिन मैंने 1.5 साल कन्विंस करने के बाद मुझे पता चला लोगों का इस बिजनेस में कन्विंस करने से नहीं आ रहा है। तो क्या करना है कि बस इन्फॉर्मेशन देना, और प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन इन द राइट वे। लोगों को सही जानकारी सही तरीके से प्रेजेंट करना को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। बस प्लान प्रेजेंटेशन करो, डेमो करो, प्रेजेंटेशन करो, डेमो करो, और उसके बाद प्रेजेंटेशन करने के बाद लोगों को मौका दो सोचने के लिए, राइट। हम क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि अभी डिसाइड करो, अभी जुड़ जाओ, अभी डिसाइड करो, अभी जुड़ जाओ। लेकिन ये गलतियां कभी मत करना। मैं मानता हूं, मैं मुझे पता नहीं आपकी मतलब नॉलेज के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं मानता हूं प्रेजेंटेशन देके मैं अपना प्रोस्पेक्ट को समय दे देता हूं। आप डिसाइड करो, आप सोचो सोचो सोचो, राइट, आप सोचो। अगर अच्छा लगेगा तो रात को डिसाइड करो, कल डिसाइड करो, परसों डिसाइड करो। मैं जब उनको फ्रीडम देता हूं, उसमें से एक जबरदस्त पोस्चर थ्रू होता है, उनको लगता है कि उनका फायदा ज्यादा है, मेरा ज्यादा नहीं, राइट। तो मैं उनको समय देता हूं, तो क्या होता है लोगों को डिसीजन मेकिंग में, राइट, डिसीजन मेकिंग में समय लगता है। जब लोगों को डिसीजन मेकिंग में समय लगता है, तब हम क्या करते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं, बस इसके लिए फॉलोअप करना जरूरी है। तो फॉलोअप का मतलब होता है, राइट, सपोर्टिंग योर प्रोस्पेक्ट, राइट, टू टेक द राइट डिसीजन। आपके प्रोस्पेक्ट को सपोर्ट करना सही डिसीजन बाय निर्णय लेने के लिए, आपके बिजनेस को जुड़ने के लिए। तो फॉलोअप के लिए फॉलोअप करो, और नए लोगों को जब वो डिसाइड कर लेता है, इनको स्पॉन्सर करो, इस बिजनेस में ले आओ। और इसमें से और दो काम करना जरूरी है शुरुआत में, आज की डेट में हर किसी को सिखाना जरूरी है हाउ टू, राइट, डू 100 PV। तो फॉलो द स्टेप्स टू डू 100 PV, मिनिमम 100 PV कैसे करें। देखो मैं एक चीज बताऊंगा कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो बताएंगे कि भाई हमारी घर में तो 20 PV का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, 30 PV का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, 40 PV, 50 PV का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। मैं आपको बोलता हूं बहुत अच्छी बात है, मोदी केयर बिजनेस को कंज्यूमर मेंटालिटी के साथ कभी बिल्ड मत करो, मोदी केयर बिजनेस को बिजनेस मेंटालिटी के साथ बिल्ड करो। और मैं एक चीज मानता हूं दोस्तों, ये अपना बिजनेस है, हम बिल्ड करते हैं अपने सपने के लिए। ये अपना बिजनेस है, हम बिल्ड करते हैं अपने सपने के लिए। जब हम अपना बिजनेस को अपने सपने के लिए बिल्ड करते हैं, तो हम रोज हमारी बिजनेस की प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, बिजनेस की प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन हम दूसरों को दे सकते हैं। अंडरस्टैंड, अगर मैं एक चीज बता रहा हूं, जो रास्ते में फुटपाथ में ठेला लगा के जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है, ये क्या 2 दिन काम करता है, 28 दिन घर में बैठता है? नहीं बैठता है ना। जो बड़े बड़े ज्वेलरी दुकान खुल के बैठे हैं, क्या ये महीने में बस 10 दिन दुकान खोलते हैं, 20 दिन बंद कर देते हैं? ऐसा तो नहीं करते। दुनिया में एक व्यवसाय दिखाओ जो 30 दिन के अंदर 20 दिन, मतलब 10 दिन व्यवसाय करता है, 15 दिन करता है, बाकी 15 दिन घर में बैठ जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो मोदी के में ऐसा क्यों होगा भाई, मोदी का प्योर लाइक बिजनेस है। हर दिन आप बिजनेस करेंगे, प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। जब हम प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन रखेंगे, 100 नहीं मेरे दोस्त, 200, 300, 400 PV आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन इस बिजनेस को अगर आप बिजनेस मेंटालिटी के साथ बिल्ड करोगे, तो 100 PV होना तो बहुत जरूरी है, और कर भी सकते हो। 100 नहीं, मैं बता रहा हूं 100, लेकिन आप करोगे 200, 300, 400। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉलो द स्टेप टू डू 100 PV। लोगों को सिखाओ क्या क्या कैसे करने से 100 PV हो सकता है। और जो नए लोग आते हैं, इनको एक्टिवेट करना, और इनको एक्टिवेट करके बिजनेस को बड़ा करना बहुत जरूरी है। अगर यही काम आपने इनके साथ कर लिया, तो फिर आपकी सफलता धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, सवाल ये होगा कि आज हम तो सारे काम करते हैं, फिर भी ज्यादा लोग क्यों एक्टिव नहीं होते हैं?
आज हम तो लोगों को मीटिंग में लेके जाते हैं, हम तो प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर भी लोग एक्टिव क्यों नहीं होते हैं। देखिए इसके ऊपर हमको कुछ बातें करनी है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, आगे मैं बोलूंगा कि क्या करने से ज्यादा लोग आपकी एक्टिव होंगे और आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स पैदा होंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, इस बिजनेस का सीक्रेट एक ही है कि प्रेजेंटेशन 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 प्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई पूछेगा कि मोदी के बिजनेस में कामयाब बनने के लिए सीक्रेट क्या है, तो आप उनको बताना बस प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, बस प्रेजेंटेशन, राइट। आप कोई भी लेवल पे हो मेरे दोस्त, बस आपको करना क्या है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। और आपकी जो फील्ड का काम है इसको मैक्सिमाइज करना जरूरी है। जितना ज्यादा हो सके वन ऑन वन प्रेजेंटेशन, जितना ज्यादा हो सके होम मीटिंग में प्रेजेंटेशन, जितना ज्यादा हो सके बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग या प्रेजेंटेशन वो आपको करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप मतलब वन ऑन वन प्रेजेंटेशन और देन टू ऑन वन प्रेजेंटेशन कर सकते हो, घर में चार पांच लोगों को बिठाकर प्रेजेंटेशन करवा सकते हो और एक जगह पे 30-40-50-100 लोगों को बिठाकर प्रेजेंटेशन कर सकते हो, तो डू राइट आज मच आज पॉसिबल, राइट। आप जितना हो सके करो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे उतना बड़ा रिजल्ट आपको आपके पास आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो, राइट, आपको स्टेप्स लर्न करना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो आज भी प्रेजेंटेशन ढंग से कर नहीं पाते हैं। इनको पता नहीं पहले क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, राइट। तो प्रेजेंटेशन स्टेप आप आपकी अपलाइन लोगों से जरूर सीख लीजिएगा। और अगर आज आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, एक बार चेक करो कि आपकी प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और बी ऑर्गेनाइज्ड, बी ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, जब आप 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के बारे में बात करते हो, राइट, जब आप 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के बारे में बात करते हो, तब आप दूसरे पॉइंट के ऊपर मत जाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर मत जाओ। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हो तो क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर मत जाओ, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और कॉन्फिडेंट। आप जो भी चीजें प्रेजेंटेशन करते हो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो, ये करना बहुत जरूरी है। देखो आपके पास कितनी जानकारी है कितनी जानकारी नहीं है आपके सामने वालों को कुछ पता नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन दिखावा तो करो। ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारी जगह पे हमने कॉन्फिडेंट नहीं है, हमने बहुत सारी जगह पे बहुत सारे काम जब हम करते हैं, राइट, मतलब उसी काम को करने के लिए हमारी अंदर उतना नॉलेज उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन हम बहुत जगह पे दिखावा भी किए हैं। और बचपन में हम लोगों ने झूठ भी क्या जबरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंटली बताया ताकि हमारे माता पिता भी कंफ्यूज हो गए। तो हर कोई काम को कॉन्फिडेंटली करो, अपना बिजनेस है कॉन्फिडेंटली नहीं करोगे तो लोग आपके साथ कैसे आएंगे। लोग उनके साथ जुड़ना चाहेंगे जिनके पास अच्छा कॉन्फिडेंस है, लोग उनके पास जुड़ना चाहेंगे जो इस बिजनेस को लेके बिलीफ लेवल जिसका बहुत स्ट्रांग है, बस उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। और मेंटेन द पोस्चर, आपका जो पोस्चर होता है ना वो देने की पोस्चर होना चाहिए, लेने के लिए नहीं। तो बेगार की तरह बातें करना और लोगों को कैसे भी करके ले आना बिजनेस को, और बिजनेस को बहुत चीप वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें आपकी सफलता को मारेगा। बस आपको करना क्या है, लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये अलग बात है। मैंने आपको दो चीज बताया था, प्रेजेंटेशन एंड स्पॉन्सरिंग, ये दो चीजें अलग अलग चीजें हैं, राइट। स्पॉन्सरिंग एक प्रोसेस की जरिया होता है और प्रोसेस में 1-2-3-4 एक्टिविटीज है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग है। बस प्रेजेंटेशन आपको करनी है और जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे उतना ज्यादा स्पॉन्सरिंग आएगा, लेकिन आपकी हाथ में स्पॉन्सरिंग नहीं है, बस आपकी हाथ में प्रेजेंटेशन करना है प्रेजेंटेशन करना है प्रेजेंटेशन करना है। लेकिन मैं एक सीक्रेट आपको शेयर करता हूं कि बड़े बड़े दिग्गज लीडर आज इतने बड़े क्यों बने हैं, उसको थोड़ा सा माइंडफुली अगर आप समझोगे तो आज आपको पता चल जाएगा कि सच में सीक्रेट क्या है। देखो यहां पे एक पिक्चर रखा गया, उसी पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऊपर में लिखा गया 80% लोग, ध्यान से सुनिएगा मुझे, 80% लोग आज की डेट में आपकी टीम में 20% का काम करते हैं, राइट, समझिए ठीक से, 80% लोग 20% का काम करते हैं इसलिए 20% का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, समझ गए। और 20% लोग ऐसे होंगे आपकी टीम में जो 80% का काम कर रहे हैं और कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आज की डेट में 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ मोदी केयर में नहीं है, इसे दुनिया में हर जगह पे आप जाके देखो, आपकी गांव में अगर कोई फंक्शन होगा,
आपके गांव में अगर कोई फंक्शन होगा, आप देखोगे गांव में जितने सारे लोग फंक्शन के लिए आगे आएंगे आपको साथ देने के लिए, आप देखोगे उसमें से 80% लोग होंगे जो छोटा छोटा काम करेंगे, बस 20% का काम करेंगे और 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे। लेकिन ऐसे 20% लोग होंगे जो बड़ा बड़ा काम करेंगे, 80% काम करेंगे और 80% रिजल्ट दिलवाएंगे। तो इसमें होगा क्या, आपको एक अच्छी चीज मिलेगा, वो क्या है कि 20% लोग जो 80% काम करते हैं और 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इन लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इसको कहा जाता है 80-20 रूल, अंडरस्टैंड। और बाकी जो 80% काम है लोग हैं, ये ज्यादा काम कुछ करेंगे नहीं। हम टेंशन इसीलिए लेते हैं क्योंकि आज तक हमने वो 20% लोगों को ढूंढ के निकाला नहीं। कैसे पाओगे आगे बताएंगे, राइट। इफ यू डोंट स्पॉन्सर एनफ पीपल यू विल नेवर फाइंड योर टॉप 20% पीपल। आपके 20% लोग जो 80% का काम करके 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, इनको ढूंढ के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा। ज्यादा स्पॉन्सरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन, जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन उतने ज्यादा स्पॉन्सरिंग होगा। जितना ज्यादा स्पॉन्सरिंग होगा उसमें से 20% लोग जो टॉप 20% कहते हैं, वो टॉप 20% लोग हमको मिल जाएंगे। जब वो टॉप 20% लोग मिल जाएंगे फिर हमारी काम और भी आसान हो जाएगा। अभी जब हमारे पास ऐसे दिग्गज लीडर होंगे जो काम को राइट बड़ी लीडरशिप के साथ करेंगे, तो बड़े से बड़े सफलता बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो सीक्रेट है जो आपको इसमें फॉलो करनी है, वो होता है फाइंड योर टॉप 20%। आपके जो टॉप 20% लोग हैं, जो 20% लोग 80% काम करेंगे और 80% काम करके 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, इनको ढूंढ के निकालना जरूरी है। और ये कैसे मिलेंगे, बस स्पॉन्सर करो, स्पॉन्सर करो, स्पॉन्सर करो। और स्पॉन्सर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन करो, प्रेजेंटेशन करो, प्रेजेंटेशन करो। और बस इस बिजनेस का सीक्रेट क्या है, मैंने आपको बताया था, बस प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन। जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन उतना ज्यादा स्पॉन्सरिंग, जितना ज्यादा स्पॉन्सरिंग इसमें से आपको मिल जाएगा आपकी टॉप 20%। और रिमेंबर दिस इज ए नंबर गेम बिजनेस। अभी आएंगे, चलो थोड़ा सा अभी रियलिटी की बात करते हैं, राइट। अगर आप कभी आपकी टॉप लीडर के साथ मिलोगे और बता पूछोगे कि सर आप मुझे बताइए कि आपके जो टॉप 20% लोग आपको मिले वो कैसे मिले, राइट। मुझे पता है कि हमारी सारी जो ग्रेट अपलाइंस मेंटर्स हैं, इन लोगों ने राइट बहुत सारे स्पॉन्सरिंग किए, इतने स्पॉन्सर किए, तो उनमें से इनको 20% टॉप 20% उनको मिल गए। और जिसको टॉप 20% जल्दी मिला, और मतलब जितना जल्दी आपको मिलता है उतना जल्द आप क्या करोगे इस बिजनेस में, रातों रात तरक्की करना शुरू करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी 20% टॉप 20% लोगों को आपको कैसे, आप कैसे हासिल करोगे। और फाइंड योर टॉप 20%, फाइंड का मतलब नहीं कि ऐसे ढूंढना है, फाइंड का मतलब है जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन, जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन उतना ज्यादा स्पॉन्सरिंग, जितना ज्यादा स्पॉन्सरिंग होगा उसमें से लोग निकल के आएंगे। आप पूछोगे कैसे पता चलेगा, देखो कैसे पता चलेगा ये सवाल का कोई जवाब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अब बारात में कभी गए हो, बारात में जब बैंड पार्टी शुरू हो जाती है ना, डांस करने वाले आगे चले जाते हैं, आते नहीं आते, हर जगह पे हर काम पे उसी की मतलब। आप अगर कहीं पे संग कंपटीशन रखो, आपको पता नहीं किसके पास गाना गाने की कलाकारी है, किसके पास वो गुण है, राइट। आपको पता नहीं, लेकिन आप कंपटीशन डिक्लेयर करो कि भाई एक संग कंपटीशन होगा। अगे अभी हमारे पास 900 लोग जुड़े हैं, राइट। अभी बहुत लोग हमको लाइव स्ट्रीमिंग में फेसबुक में देख रहे हैं, जितने सारे लोग होंगे। अभी मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं कि कल हमारा एक जूम सेशन होगा जिसमें संग कंपटीशन होगा, और संग कंपटीशन में और जो फर्स्ट प्राइज जिसको मिलेगा इसको हम देंगे 1 लाख रुपया, सेकंड प्राइज जो जिसको मिलेगा इसको हम देंगे 50,000 रुपया, और तीसरे को देंगे हम 30,000 रुपया। हम डिक्लेयर कर लेंगे, और कल का समय डिक्लेयर कर लेंगे, कल का 6 बजे। हमको ढूंढना नहीं है, जिसके पास गाना गाने की क्षमता है वो अपना क्या करेगा, नाम दिलवाएगा, सर मुझे क्या करना है, कल गाना गाना है। जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे चीजें। अभी स्कूल में जब आर्ट कंपटीशन होता है, जो बच्चों के पास आर्ट करने की क्षमता है वो आगे आ जाते हैं।
और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी काम हुई है, बस आप स्पॉन्सर करते रहो, जो लीडर बनने वाला है वो सामने आ जाएगा, वो आपको बताएगा सर मैं आपका लीडर हूं, मैं आपका लीडर हूं, आप करके तो देखो। और लीडर को पाने के लिए जो मतलब जो क्वालिटीज होता है, जो पैरामीटर्स होती है ना, ये पैरामीटर्स आपको समझना जरूरी नहीं है, बस आप देखोगे ये लोग अपने आप आ जाएंगे आपके पास, आप इनको मोटिवेट नहीं करोगे, ये अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे, अंडरस्टैंड। और यही वो टॉप 20% होंगे जो आपको साथ देंगे, यही वो टॉप 20% होंगे जो अपने सपने के लिए काम करेंगे, यही वो टॉप 20% होंगे जो 80% काम करेंगे, यही वो टॉप 20% होंगे जो टॉप 20% लोग 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। और आज इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर कोई डायरेक्टर है राइट, आज 40,000 बीवी जनरेट करता है, तो एक बार ढूंढ के देखो कि आपके टीम में कितने परसेंट लोग ये 40,000 बीवी जनरेट करने में आपके साथ देते हैं। अगर 1,00,000 का बीवी कोई जनरेट करता है, कोई लीडर हमारे साथ जुड़ा है, कोई 10,00,000 बीवी जनरेट करने वाले लीडर जुड़ा है, तो आप देखो आपका टॉप 20% कौन है और 80% कौन है, और इनको ढूंढ के निकालना बहुत जरूरी है। और लीडर जो होते हैं ये लीड बाय एग्जांपल करते हैं, ये खुद पहले करते हैं, बाद में लोगों को करने के लिए बताते हैं। और ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं हो पाते हैं। और हाउ कम यू बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, आप ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कब होगे, जब आप जो काम करते हो वही काम बताते हो, आपकी कथनी और करनी दोनों बराबर होता है, तो फिर आप ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हो। अगर मैं लोगों के पास जाता हूं, प्रेजेंटेशन देता हूं, वन ऑन वन प्रेजेंटेशन देता हूं, देन होम मीटिंग में प्रेजेंटेशन देता हूं, बड़े 30-40-50 लोगों को इकट्ठा करके मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, तो फिर मैं लोगों को बता सकता हूं भाई आप प्रेजेंटेशन करो, फिर मैं वहां पे इसी बात को बताने के लिए राइट मैं इन्फ्लुएंशियल हो सकता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ बताता नहीं हूं, मैं करता हूं। और इसी इंडस्ट्री में प्रेजेंटेशन देना आप बोलने से नहीं होगा, बस आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको लोग मिलते जाएंगे जो आपके साथ प्रेजेंटेशन देंगे, डेमो दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, डेमो दिखाएंगे, और आप जो काम करते हो आपको फॉलो करने के लिए, आप जो काम बताते हो उसको करने के लिए आपको लोग मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको लीड बाय एग्जांपल करनी है। तो लीडर्स मस्ट डू एग्जैक्ट एक्शन दैट यू वांट योर डाउनलाइंस टू डू, आपके नीचे लोग जो करना आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं मेरे नीचे लोग ये काम करें, तो वही काम आप करो, देखो वो करते जाएंगे। और आप अगर चाहते हो कि आपके नीचे लोग ज्यादा प्रेजेंटेशन दे, ज्यादा स्पॉन्सर करें, तो फिर ये सीक्रेट क्या है कि आप अभी स्पॉन्सरिंग में लग जाओ। जब आप स्पॉन्सर करके नए लोगों को स्पॉन्सर करके आपकी टीम के साथ इंट्रोड्यूस करवाओगे, ये मेरा नया फ्रंटलाइन है, ये मेरा नया फ्रंटलाइन है, ये नया फ्रंटलाइन नया लॉयल्टी शुरू किया, ये अभी 10% में गया, ये अभी मतलब 13% में गया, अगर जब आप इन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाओगे, आप स्पॉन्सर करोगे, इसमें आपकी टीम के लोग प्रभावित होंगे और आपकी टीम के लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। और जब आप बातें करोगे उन लोगों के साथ, जब आप प्रेजेंटेशन रखोगे, जब आप मोटिवेट करोगे, तो यू कैन बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, बिकॉज आप करके बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि बस आप बोल रहे हो कुछ कर नहीं रहे हो राइट। और ऑल टॉप 20% जो लोग होते हैं, जितने सारे लोग आज की डेट में है राइट, ये सारे लोग स्पॉन्सरिंग के जरिए आए हैं। और दुनिया में जितने टॉप इनकम अर्नर्स होते हैं आज की डेट में, हमारे जितने स्मैक मेंबर्स होते हैं, जितने सारे स्मैक मेंबर्स हमारी मोदी केयर में हैं, ये सारे स्मैक मेंबर्स राइट, इनको जाके पूछे, ये टॉप इनकम अर्नर्स है और ये टॉप स्पॉन्सरर है, ये ज्यादा लोगों को स्पॉन्सरिंग किया, ज्यादा स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या मैंने आपको बताया, ज्यादा प्रेजेंटेशन रखे। और मुझे पता है मेरे ग्रेट मेंटर गाइड मिस्टर प्रमोद आचार्य सर ने एक दिन में 15-15 प्रेजेंटेशन करते थे, सुबह से रात तक तो कभी कभी 4-5-6 होम मीटिंग्स करते थे, कहीं पे जाते थे टूर में, दिन में 8-10 प्रेजेंटेशन करते थे। मतलब ये शुरुआती दिनों में इतना प्रेजेंटेशन करते थे, जिसके कारण इनकी जो ग्रोथ होता था ना शुरुआत से, इनकी ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट है उड़ीसा में, सबसे सबसे फास्टेस्ट है राइट। क्यों? क्योंकि इनके सीक्रेट यह है कि इन्होंने ज्यादा प्रेजेंटेशन करते थे। So, अगर आप चाहते हो कि आप भी टॉप अर्नर बनोगे, तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था, प्रेजेंटेशन, बस हमारी बिजनेस में प्रेजेंटेशन, और ये प्रोसेस की शुरुआत है राइट। और इसी दुनिया में एक चीज कहा जाता है, हमारी इंडस्ट्री में पर्टिकुलर कहा जाता है, इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल जस्ट कॉपी वॉट सक्सेसफुल पीपल डू,
अगर आप बनना चाहते हो कामयाब, तो फिर कामयाब लोग जो करते हैं बस उनको कॉपी करो। और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कॉपी क्या होती है? स्पॉन्सरिंग, प्रेजेंटेशन, राइट। आप जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे उतना ज्यादा स्पॉन्सरिंग होगा। यही चीजों को ज्यादा लोग क्या करते हैं, इस यही चीजों को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। अगर आपको सवाल किया जाए हु आर द हाईएस्ट अर्नर्स, देन जवाब होगा ही हु शोज मोर प्लान्स विंस, राइट। जो ज्यादा प्लान दिखाता है वही इसमें विनर बनता है, और वही वो बंदा है जो आज हाईएस्ट अर्नर है, राइट। और हर समय पे, हर जगह पे, जब भी लोग मिलते हैं, जब लोगों के साथ बात करते हो, जब लोगों के साथ आप मोदी करके प्रेजेंटेशन रखते हो, उसी समय पे राइट, आपको पता चल जाता है कि मैं आज कुछ काम पे लगा हुआ हूं जो काम मुझे कल बहुत बड़ी रिजल्ट दिलवाने वाला है। जरूरी नहीं है कि आज की प्रेजेंटेशन आज आपको रिजल्ट दिलवाएगा, लेकिन आज की प्रेजेंटेशन कल आपको इतना बड़ा रिजल्ट दिलवाएगा जो आपकी कल्पना से बड़े होंगे। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी अर्नर जो होता है, राइट, वो कौन है होते हैं जो ज्यादा प्रेजेंटेशन करते हैं, ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, हु शोज मोर प्लान, मोर प्रेजेंटेशन, एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस। सो अगर आप मुझे, जैसे मैंने आपको शुरुआत से बताया था कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला, सबसे बड़ा सफलता अचीव करने वाला, सबसे बड़ा नाम कमाने वाला, सबसे बड़ी महंगी गाड़ी चलाने वाला इस इंडस्ट्री में वही होता है जो बस एक ही काम करता है, प्रेजेंटेशन। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा दोस्तों, हमारी ग्रुप में शत्रुघ्न सार नाम के एक लीडर है जो कल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। जब मैंने इनकी अपलाइन ज्योति प्रकाश पंडा सार से पूछा कि इन्होंने किया, क्योंकि मैंने इसी महीना मीटिंग करने के लिए गया था, तो स्टेज के ऊपर इनको बुलाया गया और इनको ट्रॉफी दिया गया। तो ट्रॉफी किस चीज की था ना, वो ट्रॉफी था कि इन्होंने सबसे ज्यादा होम मीटिंग्स किया था, सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन किया था। तो मैंने उनको पूछा कि कितने प्रेजेंटेशन आपने किए थे, तो इन्होंने फरवरी में 27 प्रेजेंटेशन किए, 27 प्रेजेंटेशन फरवरी में, मार्च में 37 और अप्रैल में 45 प्रेजेंटेशन, और इसे 3 महीने में उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। तो अगर आप एसीडी जाना चाहते हो, कार फंड अचीव करना चाहते हो, अगर आप डायमंड जाना चाहते हो, हाउस फंड अचीव करना चाहते हो, अगर आप जीआरडी जाना चाहते हो, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर बनना चाहते हो, लाखों में कमाई करना चाहते हो, हर साल परिवार के साथ फैमिली जाना, मतलब वर्ल्ड टूर में जाना चाहते हो, और वो सारी सफलता अचीव करना चाहते हो, जो सारी सफलता के लिए आप आज मोटिवेटेड हो और आज आप काम करते हो, अगर आपको चाहिए वो सारी सफलता, द सीक्रेट ऑफ योर एवरी सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री, शो मोर प्लान, डू मोर प्रेजेंटेशन। और आखिर में बताऊंगा, अगर कोई भी आके आपको पूछेगा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, देन टेल 3 things, presentation, and presentation. And finally, आपको बताऊंगा, he who shows more plans wins in this industry. अगर आप भी चैंपियन बनना चाहोगे, विनर बनना चाहोगे, बस मेक ए कमिटमेंट हर दिन, presentation. So thank you very much. अगले 1 घंटे से आप लोग मुझे सुन रहे हो, और लेकिन खत्म करने से पहले जरूर एक चीज बोलूंगा दोस्तों, आज मुझे आप सुन रहे हो, लेकिन मुझे बनाने वाले के बारे में अगर बात ना करूं तो फिर मेरा जो प्रेजेंटेशन वो अधूरा रहेगा। शुरुआत में दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया था, मैं एक कोचिंग सेंटर टीचर हुआ करता था, और साथ ही साथ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। मैंने इस बिजनेस को जुड़ने के बाद मेरा जो फ्रेंड था, मेरा बुजुर्ग फ्रेंड जिसके पास मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन आज जो बिजनेस में नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरे सफलता के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, जिसके लिए मैंने जिंदगी भर इनके पास आभारी रहूंगा। और आज उनके ऊपर जो मेरे ग्रेट अपलाइन थे, जिन्होंने जिनकी सपोर्ट बहुत जबरदस्त था मेरे लिए शुरुआती दिनों में, मिस्टर विनायक प्रधान सर, और विनायक प्रधान सर जिन्होंने इतने सपोर्ट किए शुरुआत में, जिसके कारण मेरा सफलता बिल्ड हुआ है। और उसके बाद मैंने मेरे लाइफ में सही ग्रेट मेंटर गाइड मुझे मिल गया, जो शुरुआती दिनों में मुझे गाइड करना, मोटिवेट करना, ट्रेनिंग देना, और इनकी हर कोई चीजों से मैं प्रभावित होता रहा,
और इनकी काम करने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, प्रेजेंटेशन करने का स्टाइल, हर चीजों से हमको इंस्पिरेशन मिला और मोटिवेशन मिला, और जिसके कारण हम लोगों ने बिल्ड करते गए। राइट, ही इज नॉन अदर देन मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, और ऑनरेबल ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर्स मैक मेंबर एंड वन से आजादी क्लब मेंबर, और जिसके कारण आज हमारी सफलता की जो आज जो देख रहे हो, राइट, इसके पीछे जो अगर सबसे बड़ा योगदान किसका है, मिस्टर प्रमोद आचार्य सर का है। और उसके बाद दिमंत कपड़िया सर, रश्मि कपड़िया मैम, जिन्होंने बहुत सारे बेसिक्स हमको हम लोगों को सिखाए, बहुत सारी चीजें सिखाए हमको, और जिसके कारण हमारी बेसिक्स भी बहुत स्ट्रांग हुआ, और इस इंडस्ट्री को हम आगे जाने के लिए जो जो चीजें जरूरी है उस चीजों को हम समझना शुरू किए। और उसके बाद डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम एक ऐसी लीडर है दोस्तों, क्या बताऊं मैं, जी तो एक बार मैडम को बताया था कि मैडम आप एक आयरन लेडी हो, राइट, क्योंकि हर चीजों में मतलब प्रेजेंटेशन हो, कोई भी चीज अगर इनके साथ बात करोगे, मिलोगे, तो आपको लगेगा कि मतलब ये कोई मतलब दूसरे ग्रह से आने वाला एक लीडर है, राइट, हर कोई चीज अलग है इनके, राइट। ये जब उड़ीसा आते थे चिंगारी छोड़ के जाते थे, और जब 6 महीने के बाद यहाँ पे आग लग जाती थी, तो इतने बड़े दिग्गज लीडर है, हम सारे लोग इतने मतलब खुशकिस्मत वाले हैं कि हमको इतने जबरदस्त लीडर मिले हैं, और जिसके कारण हमारी सफलता बिल्ड हुई है। और सिर्फ ये लोग नहीं, इनके साथ साथ ऑल इंडिया के जितने सारे टॉप लीडर्स हैं, इन लोगों ने यहाँ पे आते थे, बहुत कुछ ट्रेनिंग देते थे, बहुत कुछ सिखाते थे, इन लोगों से हम कुछ सीखे हैं, बहुत प्रभावित हुए हैं। और मैनेजमेंट एक्सक्लूसिवली अगर हम देखें तो मैनेजमेंट, इन लोगों ने बहुत सारी सपोर्ट किया, बहुत सारी मदद की, जिसके कारण हमारी सफलता बिल्ड हुए हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, समीर मोदी सर, और जिनकी छोटी सी सोच के कारण बहुत लोगों की लाइफ में बदलाव आया और मेरे लाइफ में बदलाव आया। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, ओवर टू रचना मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत जबरदस्त सीक्रेट समय बताया, प्रेजेंटेशंस प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशंस, ये सीक्रेट आपके। और आपने हमें ये भी बताया कि आपका पीएमएफ क्या है, पीएमएफ यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अगर हम जानेंगे तो हमारी भूख क्या है और हमारी बर्निंग डिजायर क्या है और हमारी गरज क्या है, हमें चाहिए क्या, ये हमने आपको आपने हमें समझाया और बताया कि हमारा हमें जाना कहाँ है, हमारा एड्रेस कहाँ है, हमें लाइफ से क्या चाहिए। उसके बाद आपने बैक टू बेसिक्स हमें समझाए, मोटिवेटिंग फैक्टर्स आपने समझाए, और उसके बाद आपने हमें समझाया कि 80-20% का रूल जो आपने समझाया कि हमें स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन करना है, तो हम सब कर रहे हैं। वो जबरदस्त सेशन रहा, आशा करता हूँ आज के सेशन में अगर कोई भी न्यू कंसल्टेंट अगर सेशन में रहा होगा तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ड्रास्टिक चेंजेस आएगा। थैंक यू तपन कुमार दास सर, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा से। आपने जानदार सेशन लिया था, थैंक यू उसके लिए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों थैंक यू बताना सर, चाहूंगा कल संडे है, हमारा स्पेशल परिवर्तन होने जा रहा है, जो हमें स्पेशल परिवर्तन जो लाइफ में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी रूप में हमारे सामने आएगा, वो हमारे सामने लेकर आएंगे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर रोशनी अरोड़ा मैम, जो इस प्लेटफॉर्म से 3 साल में 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंची हैं। तो उन सबको हम सुनेंगे 6:20 पे, 6:20 पे हम सब ज्वाइन करेंगे, तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी हम ज्वाइन करेंगे। रोशनी अरोड़ा मैम, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, तैयार रहिए, मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग, कैन मॉर्निंग।